दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम में अगर लॉगिन करने पर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जबकि आप सब कुछ सही सही दे रहे हो, फिर भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज ये वीडियो में कंप्लीट आपको सारा कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं खुद से सॉल्व कर चुका हूँ। तो हमने सोचा इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है और ये वीडियो देखकर उसको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, काफ़ी सारे हमने भी वीडियो देखे थे, लेकिन उस वीडियो से कोई भी फायदे हमें नहीं मिला है, जबकि मैं सब कुछ सही सही दे रहा था। मेरा जो फ़ोन नंबर था वही फ़ोन नंबर से लॉगिन कर रहा था, लेकिन लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा था, अलर्ट का ऑप्शन आ रहा था एंड वहाँ पर वी हैव डिसेबल या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपने आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फिर कुछ भी कारण से आपका लॉग आउट हो चुका है, अब लॉगिन दोबारा से करना चाहते हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो बता दूं आपको किस तरीके से लॉगिन करना है। सबसे पहले तो आपको पेटीएम को इनेबल करना है। आप दूसरा वीडियो देखे होंगे जिसमें बोला जा रहा है कि आपको पेटीएम क्लियर कैच करना पड़ेगा, क्लियर ऑल डाटा करने पड़ेगा, अपडेट करने वगैरह वगैरह करने को बोला जा रहा है, लेकिन उस सब कुछ करने के बाद भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो मेरे साथ भी सेम इसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा था और सेम ऐसा सब कुछ कर लिया लेकिन कोई सॉल्व नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपली ये देख सकते हैं मेरे पेटीएम ओपन हो चुका है, आप सीधा यहाँ पर लॉगिन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा एंड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्रिएट अकाउंट तो हमें करना नहीं है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर हमें क्लिक करते ही मेरे पास दो नंबर सिम में, अगर आपके मोबाइल पे अगर दो सिम लगा हुआ है तो दोनों नंबर आ जाएगा। अब जिस भी नंबर से आपका पेटीएम था उस नंबर पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो हमने बार बार किया, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने सारा कुछ अच्छे तरीके से डिटेल्स देखने के बाद हमें पता चला कि इस तरीके से नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है लॉगिन करने का। तो सिंपली हम क्या किए, यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज का बॉक्स जैसा एक ऑप्शन है, इसके ऊपर में सिंपली आपको क्लिक करना है। जब भी यहाँ पर क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन फिर से आ जाएगा एंड वहां पर आपको टैप करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद वहां पर ऑटोमेटिकली जेनरेट होगा, अगर नहीं होता है तो फिर आप वहां पर ओटीपी बैठा दीजिए एंड प्रोसेस कीजिए, 100% आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यही इसी तरीके से किया हो तो मेरा लॉगिन हो चुका है। पहले काफी बार मुझे प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इस पे करने के बाद एक बार कीजिए, नहीं होगा तो फिर से दोबारा कीजिए, 100% आपको हो जाएगा। तो हमने सोचा इसके बारे में आपको शेयर करना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का 100% सिक्योर आपके लिए वीडियो लाता हूँ, यूजफुल वीडियो लाता हूँ और आप देखकर उससे काफ़ी कुछ सीख पाते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।